Hey दोस्तों, तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। आज मैडम को मेहंदी लगवाने जाना था क्योंकि कल फेस्टिवल है, तो मैडम तो मार्केट में घूम रही है बेचारी, और मैं निकल रहा हूँ पेट्रोल डलवाने आया था। ऑफिस से लेट हो गया बहुत ज़्यादा। वो खड़ी प्रिया पीछे लाइन लगा रही है। तो फाइनली मैं हमें प्रिया को मिल चुका हूँ। अब बस सब मेहंदी वाला ढूंढेंगे और फिर फटाफट से मैं मेहंदी लगवाता हूँ प्रिया को, प्रिया के हाथों पे। अब पता नहीं कितनी देर बाद नंबर आने वाला है, बट ट्राई करते हैं। 10 तो बज ही गए रात के, ज़्यादा लेट हो गए। बहुत ही ज़्यादा वेटिंग है आज तो, मेहंदी वालों की चांदी कट गई। अभी ऑफिस आए थे, फिर थोड़ी सी शॉपिंग करी और देन हट गए। फाइनली मैडम का नंबर आ गया। फाइनली चलो स्टार्ट तो हो चुका है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। पूरा मेला लगा हुआ है हमारी तरफ, ये देखो। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 11 बज गए हैं और अभी तो टाइम लगेगा मेहंदी में। वेट कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, फिर बताऊँगा, दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है हमें। तो फाइनली मेहंदी लग चुकी है, निगान हाथ दिखाओ, सीधे दिखाओ। फाइनली मेहंदी लग चुकी है और हम निकल रहे घर के लिए। 11:30 बजे फाइनली मेहंदी लगी और हम घर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। देखते हैं खाना खा पाते नहीं खाते, घर पहुंच पाते नहीं पाते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी फेवर शॉर्ट टू ऑल। कल रात हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे मेहंदी लगा के आने में, इसलिए आज मैं लेट हुई हूँ। तो आज की ब्लॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, तो मैं आज पूरे दिन का अपडेट आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी, तो ये वीडियो के लिए लाइक करिएगा। हेलो गाइस, तो अब मैं पूजा के लिए अपनी सारी तैयारी करके एकदम फ्री हो चुकी हूँ, तो अब मैं पार्लर जा रही हूँ रेडी होने के लिए। फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे करवा चौथ की, और मैं आपको बताऊँगी कि पूजा में क्या क्या होता है और पूजा कैसे करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। हेलो गाइस, मेरी सारी पूजा की तैयारी हो गई है और हम कथा सुन रहे हैं। इसलिए हाथ में 14 दाने गेहूं के लेके सुनते हैं। कम नहीं होना चाहिए दाने। पर लक्ष्मी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके इतने पूरे दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है। ये 13 चांद है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने पे उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो 3 बार सफ़ेद कपड़े ही निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। I
हेलो गाइस, तो मैं पार्लर से रेडी होके आ चुकी हूँ और मैंने अपनी करवा चौथ की कहानी भी कंप्लीट कर ली है और अभी भी मैंने अर्घ दिया है और अब मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने ससुराल जाने के लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि वहाँ सब लोग मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। और गेस वॉट, कैसी लग रही हो? प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब अपने ससुराल जाने के लिए। मेरे अभी का कॉल आ रहा है, वो मुझे लेने आने वाले हैं। मुझे देखना है कि उनका रिएक्शन कैसा होगा, मुझे देखना। तो मेरे पिया अभी आ गए, मेरे को उनका रिएक्शन देखना है, उनका रिएक्शन भी देखना कैसा होगा। गाइस, तो कैसे हैं आप? तो मैं इनसे मिला हूँ, आज फेस्टिवल है तो प्रिया को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करी लग रहा है मुझे, कर ले मेरी शादी फिर से। चलो मैं इनको लेके चलता हूँ फटाफट से, क्योंकि घर पे इनको बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है इनका। तो बाकी का आई थिंक इन्होंने वीडियोज बनाई हैं, ब्लॉग 15 होगा मुझे लग रहा है, ऐसा लग गया है मुझे। तो हम कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है, बाय। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं अपने। अरे वाह, पता ही यही घड़ी में कल बहुत देख के आई थी सिलमपुर में लेने के लिए। बहुत अच्छा है। चलो चलो चलो, कितना अच्छा बच्चा है। और सामने देखो, सामने से तो आ जाओ। गाइस फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं और मैडम अपने काम में लग चुकी है, जो कि इनको बहुत ज्यादा पसंद है, साफ सफाई। हाँ दोस्तों, भाभी जैसे तुम प्यारे दिख रही थी फर्स्ट टाइम, वैसे तुम इस टाइम दिख रही हो। इससे अच्छी, हाँ उससे अच्छी है ना, प्यारा है। कोई कैसे लगे भाभी? बहुत बढ़िया है, अनएक्सपेक्टेड। इन्हें सोचा था कि साड़ी पहन के ऐसी आ रहा है, मैं नहीं सोचा था कि तुम वही पहनोगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अरे वाह, लेकिन फर्स्ट टाइम पहला त्योहार है। नहीं बहुत ज्यादा सुंदर है, लाख के ही है। हाँ लाख के ही है, ये इतने इतने ये दोनों। तो भाई सारी हमारी लेडीज हैं आ चुकी है, तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया तैयार हुई है। ये मेरी बड़ी चाची, मम्मी, और इधर छोटी चाची, ये और ये हमारी प्रिया जी, और इधर दादी। दादी को कैसे बोल सकते हैं, दादी हाय कर दो, हेलो। ये चलो तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम आते ही काम में लग गई है। मम्मी क्या हो रहा है? रायता खा ले। रायता आते रहा था खिलाने के लिए? नहीं, तो मम्मी के लिए जो है प्रिया बायना निकाल रही है, ठीक है, जो कि करवा चौथ पे अपनी सास के लिए निकाला जाता है। क्या के लिए? साड़ी लिया है। ओके ओके, अम्मा बताएगी। अम्मा दादी बताओ, बायना क्यों निकालते हैं? जब पढ़ते रहते हैं हम, हाँ, तो बायना लगाते हैं पूजने के लिए। अच्छा, अरे करवे भी बल्ले जाते हैं, दे जाते हैं सासन को। ओके, तो प्रिया जो है मम्मी को ये बायना निकालेंगी, ठीक है, तो मैं वो शूट करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं क्या होता है ना, मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। चलो उस
तो प्रिया ने मम्मी को दिया ये गिफ्ट, ठीक है। तो दोस्तों प्रिया और मम्मी जो हैं पूजा कर रहे हैं, अब शाम की तैयारी है बस, ठीक है। तो अब हम दोनों सास लोग जा रहे हैं अपनी बड़ी सास को बायना देने के लिए, दादी सास को बायना देने के लिए। क्या हो रहा है मनीर, अगले साल तब मेरा बटवा से लेकर गोदी में करे ये, और क्या सही बात है। तो कह रही है विकास वाले, तू कह रहा है विकास बोल, चाची के ना दे रही बायना। अच्छा ऐसे पकड़ ले, मम्मी को ले ली, दादी को भी दे, मम्मी को भी मैंने दे दिया, दादी को भी दे दिया, दादी के पास सभी इकट्ठा हो रहा है। अच्छा दोनों साथ में प्रिया की फर्स्ट करवा चौथ कैसी रही? हे गाइस, तो इनकी मम्मी और प्रिया की पूजा हो चुकी है, ठीक है। अब ये आगे चांद का वेट कर रहे हैं फिलहाल हम सारे मिलके, कि जल्दी चांद आए तो ये पानी पिए और खाना खाए। टफ हो गया नहीं। है मम्मी को डाउट हो रहा है कि पास रखा है। बताओ भाई, कमेंट करना सब गाइस कि मम्मी और प्रिया कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और मम्मी को डाउट था कि तुमने आज फास्ट रखा है। मैंने फास्ट हाँ। नहीं नहीं मैंने फास्ट नहीं रखा, मेरी यहाँ सुबह से खाना नहीं खा रहे। फिर मैंने ऐसा थोड़ा देर रुकी, मैंने कहा नहीं नहीं वहाँ तो खाया था। नहीं फास्ट नहीं रखा मैंने, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ, बट यहाँ पे चांद नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्डिंग की वजह से इसके पीछे चांद है, ठीक है। बाकी और भी सब लोग अपनी छत पे आ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों चांद तो दिख नहीं रहा, तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं, क्यों कितना मजा आ रहा है। देखो तो दोस्तों जब तक चांद नहीं निकल दिखता हमें, तब तक हम यहाँ पे टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मैन प्लेयर है बैट्समैन प्रिया कस्तूरिया, कस्तूरिया बॉल करते हुए ये बॉलिंग करेंगे, और सामने है बैट्समैन प्रिया कस्तूरिया, ठीक है। 3-2-1 3-2-1 उत्तरी, ओ ये आउट होते हुए हाथ पड़ गया पकड़ लो। ये देखो प्रिया और ये दोनों चाची मम्मी, कितना मजा आ रहा है इनको, दोस्तों इसको देखो नीचे, ये हमारी पब्लिक नीचे खड़ी है और चांद पीछे आ चुका है वो रहा। है क्या करना है, सीढ़ी लगा दो प्लीज, 2 मिनट के लिए। अच्छा वो सीढ़ी पे चढ़ के आती है, प्लीज 2 मिनट ले दो। शादी की स्टेज है वो, चले भी मूवी देखी थी यार, शादी करोगे मुझसे? हां हैं क्या हो गया मम्मी, पूछने लगी। हां जी मैडम, चांद निकल गया, चांद निकल चुका है, मैं आपको दिखाता हूं वो रहा सामने, दिख रहा है अब तो। इधर बुला के लाओ उसको, बुला के लाओ, बोलता इधर आओ भाई। तो ये सारी पूरी हमारी कस्तूरिया फैमिली, मेरे पैरों करवा चौथ के एक्साइटमेंट में खड़े हैं सब। अच्छा जी, अभी धीरे धीरे हमारी छत पे ना हर साल एक मेंबर बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। ओके, इतना खुश क्यों हो रहा है, मैं ही तो हूँ नेक्स्ट। और प्रिया चांद आ चुका है,
तो पूजा करते हुए ओ भाई मजा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली फास्ट ओपन हो चुका है। हाँ जी कैसा रहा आपका फास्ट? बहुत ऑसम, टफ, ड्रीम कम ट्रू। नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहली बार नहीं था। नहीं ऐसा नहीं है, मजा आया। ओके दोस्तों, हम अपनी शादी के बाद अपने आने वाले हर फेस्टिवल का बहुत एक्साइटमेंट के साथ वेट करते हैं। ये हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट हो। और चलो गाइस, ये वाला जो ब्लॉग है हम यही एंड करते हैं, ठीक है? तो हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।